IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह बदलने वाली है और 19 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन 2024 में CSK फ्रेंचाइजी में तीन खतरनाक खिलाड़ियों की भी एंट्री होना लगभग तय हो चुका है, जिससे चेन्नई वाले फुल HD में तहलका मचाते हुए नजर आने वाले हैं। और इन तीन खिलाड़ियों के शामिल हो जाने से चेन्नई की प्लेइंग 11 कैरेट डालती हुई नजर आएगी। CSK मैनेजमेंट ने इन तीन खिलाड़ियों को टारगेट करने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी है, जिसमें दो बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों के नाम भी शामिल है, जिससे बेन स्टोक्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, बैटिंग के साथ साथ ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से गदर मचा सकते हैं। और हम इस पूरी वीडियो में इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी कट्टर CSK वाले हैं भैया, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, CSK फ्रेंचाइजी ने इस सीजन से पहले 8 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था, जिसमें बेन स्टोक्स और अंबाती रायडू चेन्नई की प्लेइंग 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते थे। लेकिन दुबई में होने वाले मिनी ऑक्शन 2024 में CSK फ्रेंचाइजी तीन खिलाड़ियों को टारगेट करके अपने स्क्वाड से जोड़ सकती है, जिसमें तीसरा खिलाड़ी चेन्नई के लिए कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। तो आइए फटाफट इन खिलाड़ियों को लेकर बात करते हैं। तो पहले नाम में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी चेन्नई के निशाने पर है, जिन्होंने साल 2023 के अलावा IPL में शानदार प्रदर्शन किया है। और पैट कमिंस की आपको मुंबई इंडियंस के खिलाफ विस्फोटक पारी भी याद होगी, जहां KKR की तरफ से खेलकर पैट कमिंस ने 15 गेंदों में 56 रन ठोक डाले थे। और इस बार पैट कमिंस पर सभी टीमें टूटकर गिरने वाली हैं। और CSK फ्रेंचाइजी इस खिलाड़ी को भी आने वाले ऑक्शन में अपने स्क्वाड से जोड़ सकती है, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के लिए चेन्नई के पास शानदार विकल्प है। इसके अलावा CSK फ्रेंचाइजी मिनी ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को भी टारगेट करने की तैयारी में है, जो पिछले कई सालों तक चेन्नई का हिस्सा भी रह चुके हैं। और हाल ही में KKR ने शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया है, और इस मौके का पूरा फायदा उठाकर CSK फ्रेंचाइजी शार्दुल ठाकुर को भी टारगेट कर सकती है, जो IPL के ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं CSK फ्रेंचाइजी शार्दुल ठाकुर को दिमाग में रखकर ऑक्शन की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। और 100% शार्दुल ठाकुर आपको एक बार फिर पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि चेन्नई की टारगेट लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम शाहरुख खान का है, जो आजकल काफी सुर्खियां बटोरने में लगे हैं, जिन्हें अंबाती रायडू का परफेक्ट रिप्लेसमेंट खिलाड़ी कहा जा रहा है। और चेन्नई के CEO कासी सर भी शाहरुख खान को अंबाती रायडू का रिप्लेसमेंट खिलाड़ी कह चुके हैं। और CSK फ्रेंचाइजी शाहरुख खान को भी आने वाले ऑप्शन में टारगेट कर सकती है। लेकिन आपके हिसाब से क्या CSK फ्रेंचाइजी इन तीन खिलाड़ियों को आने वाले ऑप्शन में टारगेट करेगी या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।